फ्रेंड्स, हिंदी की ई पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं अरुण प्रजापति। आज हम कक्षा 7 के दूसरे पाठ दादी माँ का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक हैं डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। उनका जन्म 19 अगस्त 1928 को उत्तर प्रदेश के बनारस जिले के जलालपुर गांव में हुआ था। उनकी मृत्यु 28 सितंबर 2008 को हुई। उनकी शिक्षा एमए पीएचडी। उन्होंने सेवा के जो कार्य किए उसमें साहित्यकार और अध्यापक के रूप में रहे। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं कर्मनाशा की हार, धतूरे का फूल, नीला चांद, नन्हो, एक यात्रा सतह के नीचे, राग गुजरी, मुर्दा सराय, दिल्ली दूर है, सैलूश और कोहरे में युद्ध आदि हैं। उन्हें जो पुरस्कार मिले वह साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त। दादी माँ पाठ में एक लेखक के यात्रा विवरण या स्मरण चिन्ह का यहाँ पे वृत्तांत बताया गया है। इसमें लेखक नौकरी के उद्देश्य से घर से कहीं दूर जाके रहता है। उसके साथ उसके कुछ मित्र भी रहते हैं। लेखक छोटी छोटी बातों में कभी कभी घबरा जाता या अनमना सा हो जाता है तो उसके मित्र उसका मजाक उड़ाते हैं, बाद में उसे सांत्वना भी देते हैं। कुछ दिनों के बाद उसके बड़े भाई का उसके पास एक पत्र आता है और उस पत्र में लेखक की दादी की मृत्यु का समाचार होता है। लेखक को दादी की मृत्यु का समाचार मिलने पर उसके गांव के सारे दृश्य और दादी माँ के साथ बिताए हुए पलों का स्मरण या यादें धीरे धीरे ताजा होने लगती हैं। बचपन में लेखक ने क्या क्या किया गांव में रहकर, दादी माँ के साथ उसका व्यवहार या दादी माँ का उसके साथ व्यवहार कैसा रहा, इन चीजों की याद उसे बराबर आती। क्वार के महीने में जब बरसात शांत हो जाती फिर भी चारों तरफ खेतों में गड्ढों में भरे हुए पानी उसको याद आते हैं और उन गड्ढों में बरसाती घासों के बीच झाग भरे तालाबों में तेज धूप के कारण वो सड़ती रहती हैं, जिसकी गंध चारों ओर फैलती जाती है। उन झाग भरे तालाबों में लेखक और उसके मित्रों के साथ नहाना, कीचड़ में खेलना आदि दृश्य उसे याद आते हैं। इसी समय ऐसे पानी में नहाने के कारण लेखक बीमार हो जाता है तो उस समय दादी माँ के द्वारा उसकी देखभाल करना, घर की साफ सफाई, के पास किसी का आने न देना, आयुर्वेदिक दवाओं का सही समय पे सही ढंग से उसको देना, उसकी बराबर देखभाल करना, मूंग की खिचड़ी देना आदि चीजें उसे बराबर याद आती हैं। एक बार लेखक
के बड़े भाई की शादी का अवसर आया। उस समय लेखक की तबीयत ठीक न होने के कारण, बीमार होने के कारण वो बारात में नहीं जा सका, जिसकी वजह से घर पे कोई पुरुष वर्ग न होने के कारण दादी माँ ने उसके रात में ठहरने की व्यवस्था अपने पास में ही कर दी। बारात में सभी के चले जाने के बाद घर की महिलाएं घर पे ही अभिनय करती हैं और उसमें हंसी मजाक के पुट होते हैं। लेखक वहां पे चुपचाप मुंह पे चद्दर डाले हुए, वो जो है नींद का बहाना करके लेटा हुआ। लेकिन कुछ दृश्य ऐसे आते हैं कि जिसमें लेखक को हंसी आ जाती है और महिलाओं को ये पता चल जाता है कि ये जाग रहा है और महिलाओं के अलावा ये पुरुष कहाँ से आ गया। तो महिलाएं उसको परेशान करने लगती हैं, तब दादी माँ उसको बचा के ले आती हैं। इस तरह के जो भी व्यवहार थे वो सब लेखक को याद आते हैं।